दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं श्लोक गार्डन ब्लॉग और आज हम देख रहे हैं एग्लोनिमा प्लांट। ये प्लांट मुझे मेरे दीदी ने दिया था, उनके गमले में बहुत सारे नए नए बेबी प्लांट निकले थे तो उन्होंने मुझे एक उसमें से निकाल के दिया। तो आज हम इसको रिपोर्ट करने वाले हैं और इसको हेल्दी रखने के जो टिप्स मैं दूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वन बाय वन हम सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों इस प्लांट को रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्टिंग के लिए मैंने ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं लिया है, 4 से 5 इंच का पॉट है। इस पॉट में हम इसे रिपोर्ट करेंगे और ये पॉट छोटा क्यों लेना है इसके भी बारे में मैं बताऊंगा। तो रिपोर्टिंग के लिए सबसे पहली बात आती है सॉइल मीडिया की। तो सॉइल मीडिया हमें कैसा चाहिए? सॉइल मीडिया बिल्कुल वेल ड्रेन चाहिए, इसलिए हमने क्या किया है इसमें 40% गार्डन सॉइल, 30% रिवर सैंड, 10% कंपोस्ट, 10% राइस हस्क और 10% इसमें हमने फंगीसाइड और कुछ कोकोपीट मिलाया है। तो इस प्रकार हमारा सॉइल मीडिया बिल्कुल वेल ड्रेन और भुरभुरा सॉफ्ट सॉइल मीडिया हमने बनाया है। पॉट में देखिए ड्रेनेज के लिए हमने कुछ थर्माकोल के पीसेस डाल दिए हैं निचले हिस्से में, उसके ऊपर हम हमारा सॉइल मीडिया डालेंगे आधे पॉट तक के। और ये हमारा बिल्कुल प्लांट हम आसानी से आराम से बिल्कुल रख देंगे। ये प्लांट बहुत ही प्यारा प्लांट होता है, देखने में इतना सुंदर प्लांट दिखता है। इसके पत्ते, इसकी खूबसूरती इसके पत्तों पे होती है। दोस्तों आपने देख लिया है इसको रिपोर्ट कैसे किया हमने, इसका सॉइल मीडिया क्या है। तो अब हम आते हैं मेन बात पे, इसकी केयर कैसे करना है, इसको बुशी तथा घना कैसे बनाना है, इसके कुछ खास टिप्स है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो अब सबसे पहले बात आते हैं इसको वाटरिंग। वाटरिंग हमें इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है इस प्लांट को, तो इसलिए जब तक के ऊपरी 1 से 1.5 इंच सॉइल मीडिया सूख नहीं जाता तब तक आप इसे वाटरिंग मत कीजिए। दूसरी बात आती है सनलाइट, तो इसे धूप में पसंद नहीं है। ये सेमी शेड वाला प्लांट है या इंडोर वाला प्लांट है, तो सेमी शेड यानी सुबह की आप सिर्फ 1 से 2 घंटे की धूप दीजिए और बाद में इसे जैसे कोई छाव में, पेड़ के छाव में या सेमी शेड में उसे रख दीजिए, बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। और तीसरी बात आती है फर्टिलाइजर की, तो आप इसे NPK दीजिए, क्योंकि क्या इसमें कोई फ्लावर तथा फ्रूट्स नहीं आते हैं, तो ये NPK से बहुत ही प्यारा हरा भरा रहेगा और ज़्यादा हेल्दी भी बना रहेगा। और 2 से 3 महीने में आप इसको कंपोस्ट दीजिए, अच्छी ग्रोथ करेगा और प्लांट भी अच्छा रहेगा। अब हम आते हैं चौथी बात पे, तो इसका जो पॉट होता है पॉट आप ज़्यादा बड़ा मत लीजिए, जितना छोटा पॉट यानी छोटा पॉट रहेगा उतना उसमें सॉइल मीडिया कम रहेगा, तो ओवर वाटरिंग से ये प्लांट बच जाएगा क्योंकि इस प्लांट को ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है। और दूसरी बात, उसमें अगर पॉट छोटा है तो उसके रूट्स जो है ज़्यादा डेवलप होंगे और ज़्यादा डेवलप होंगे तो उसको फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेंगे नए नए बेबी प्लांट्स को प्रोड्यूस करेंगे और आपका प्लांट छोटे पॉट में ही और ज़्यादा बुशी और घना बन जाएगा। इस चीज़ के लिए आपको जो पॉट लेना है वो छोटा पॉट लेना है, ज़्यादा बड़े पॉट में आप उसे मत लगाइए। इसको अगर हम चमकदार रखना है तो हमें हर 10 से 15 दिन में इसके ऊपर शावरिंग करनी है वाटर की, जिससे इसके ऊपर का डस्ट निकल जाएगा और ये प्लांट के पत्ते बिल्कुल हरे भरे और चमकीले बने रहेंगे। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। इसी तरह से आप अगर अपने प्लांट की केयर करते रहेंगे, देखभाल करते रहेंगे, तो आपका प्लांट बहुत ही बुशी घना और सुंदर बना रहेगा, नए नए बेबी प्लांट निकलते रहेंगे, आप एक प्लांट से ढेरों प्लांट बना सकेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।